देखिए करते हैं स्टार्ट। सेकंड टॉपिक रेशो अभी कंप्लीट कर लिया हमने। सेकंड टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को मैंने तीन कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट व्हेन ऑल पार्टनर गेन, सेकंड एक का नेगेटिव में आंसर आ जाए। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब नेगेटिव में आता तो गेन होता था, यहां पे सेक्रीफाइस होगा। थर्ड हिडन गुडविल। तीनों बिल्कुल आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, जैसे कि रेशो में आपने देखा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक्स वाई और जेड, सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, 3, 2 और 5 रेशो दे रखा है, 3 to 5 रेशो दे रखा है, और इसमें से सपोज जेड रिटायर हो गया, तो मेरा सबसे पहले तो न्यू पीएसआर क्या होगा? न्यू पीएसआर का मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होगा? 3:2। ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या होगा? 3:2। अब यहां पे मैंने लिखा गुडविल ऑफ फर्म। फर्म का गुडविल मैंने लिखा ₹1,00,000। पूरे फर्म का गुडविल मैंने लिख रखा है 1,00,000। अब हमें क्या करना है, जब फर्म का गुडविल दे रखा हो तो सबसे पहले हमें निकालना है जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका हिस्सा। तो रिटायर कौन हुआ है? जेड। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल GW लिख दिया। 1,00,000 रुपए में से मल्टीप्लाई 5/10, 50,000। अब इस 50,000 रुपए जेड को देने हैं, कौन देगा? एक्स और वाई। किस रेशो में देगा? गेनिंग रेशो में, ठीक है, जो कि हमारा 3:2 है। जब यहां पे जेड लेगा, एक्स और वाई देगा, तो जेड के अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और एक्स और वाई देगा तो एक्स का कैपिटल वाई का कैपिटल क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तो यहां पे जनरल एंट्री जो मेरे पास निकल के आया वो आया एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 जेड कैपिटल। इन केस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल फिक्स, तो कैपिटल की जगह पे क्या कर देंगे? करंट अकाउंट। बीइंग सबसे पहले 50,000 को बांटते हैं तो 20,000 कुछ मैं एब्रिविएशन और शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। फर्स्ट केस कंप्लीट। देखिए, हाँ, वो अपीयर ऑफ द फर्म अगर गुडविल होगा उसको राइट ऑफ करेंगे जैसे पहले करते थे। अगर पहले से गुडविल दे रखा है, ओल्ड में हमेशा ओल्ड में होता है, न्यू रेशो में सिर्फ कैपिटल बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो में सिर्फ आपका गुडविल बढ़ता है, बाकी सारा काम ओल्ड रेशो में, ये ध्यान रखना होता है आपको बस, ठीक है। चलिए सेकंड केस, इसको मैं नाम दे देता हूं केस नंबर टू। देखते हैं, आप ये मत समझिएगा कि बस एक क्वेश्चन में कैसे होगा, हो जाएगा, बस इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं हमारे सब्जेक्ट में। व्हेन एनी पार्टनर सेक्रीफाइस, चलो एक्स वाई जेड, जैसे कि मैंने बोला कि मैं रेशो सेम, बिल्कुल सेम रखूंगा या थोड़ा चेंज करते हैं, चेंज कर देते हैं इस बार, ठीक है, चलो 1:2। न्यू रेशो ना मैं मान लेता हूं, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन ने दे दिया भाई न्यू रेशो है आपके पास गिवन, 4:1। न्यू रेशो क्या है? न्यू रेशो, अब जेड रिटायर हो गया, ठीक है, जेड को रिटायर करा तो न्यू रेशो 4:1 है, तो किसका होगा? एक्स। और अब मैंने सबसे पहले तो यहां पे गुडविल लिख दिया, चलो गुडविल ऑफ
firm is, या गुडविल वैल्यूड ऑफ फर्म 1,50,000, सपोज एग्जाम्पल, ठीक है। ओल्ड रेशो क्या है मेरे क्वेश्चन में? 1:1:1। न्यू रेशो क्या है? 4:1। अब गेनिंग रेशो निकालते हैं। चलो गेनिंग रेशो, मैं बहुत शॉर्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान देना, कंफ्यूज मत लो ना, जीआर जनरल रिजर्व मत मान लेना इसे, गेनिंग रेशो है। इसमें ओल्ड न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। चलिए एक्स का एंड वाई का, एक्स का न्यू रेशो 4:5 और वाई का 1/-1/3 माइनस, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा? 15, 3 माइनस में, अच्छा 12 माइनस में 5, तो 7/, अब यहां पे देखें 3-5 -2/15, ये गड़बड़ हो गई। इसका मतलब पता है क्या है? ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, मैं एक एग्जाम्पल लेके और समझाता हूं इसका मतलब। यहां एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मान लो एक्स वाई जेड, अगर तीनों पहले 3,000 रुपए बांटा करते थे 1:1 में, 9,000 का था, तो न्यू रेशो में कितना बांटेंगे? अगर हमारा 4:1 है तो बताओ, अगर 9,000 था, प्रॉफिट मैंने कंसिडर किया है 9,000, 1:1 रेशियो है, 3,000 3,000 3,000, तो अब न्यू रेशो में अगर मैं बांटू तो 7,200। यहां पे देखो जो ये पार्टनर है, ये क्या कहता है, भाई मैं पहले कितना लेता था, पहले 3,000, अब तो 1,800 मिल रहा है, ये क्या हो गया? नया पार्टनर गया तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था ना एक पार्टनर जाने के बाद, और ये तो बोल रहा है मैं तो जा ही रहा हूं, तुम दोनों समझो क्या करोगे। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिल रहा है? तो एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको भी पैसा दे कुछ और इसको भी पैसा दे गुडविल का, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर किसने ले लिया? एक्स ने, अगर ये रेशो है। लेकिन हमारे पास सबसे ज्यादा इसके पास 4:1 बताया ना, ठीक है, तो इसके पास सबसे ज्यादा था, इसको भी दे दिया, इसको भी। ये क्या कर रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो 1,200 रुपए का सेक्रीफाइस, और ये क्या कर रहा है, गेन, और ये तो जा ही रहा है। अब जर्नल एंट्री में क्या होना चाहिए, इसको मिलेगा तो इसका अकाउंट क्रेडिट, और इसका अकाउंट भी, और इसका अकाउंट, क्लियर। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में निकालते हैं, नेक्स्ट स्टेप में निकालते हैं हम किसका गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल। तो भाई 1,50,000 रुपए में जेड का हिस्सा निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई 1/3 मींस 50,000। सेम मैं निकाल दूं किसका, वाई का, वाई सेक्रीफाइस 1,50,000 रुपए का कितना सेक्रीफाइस, 2/15, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या जनरल एंट्री ड्रॉ हो जाएगा इसका? अब जनरल एंट्री देखते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट 2 वाइज कैपिटल अकाउंट 2 जेड कैपिटल अकाउंट। चलिए एक्स में 70,000, 20,000 और 50,000, इसका बीइंग क्या होगा? अगेन गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन इन गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग, या गेनिंग रेशियो लिख सकते, कोई दिक्कत। फर्स्ट केस हमारा क्या था, जब सारे पार्टनर गेन कर रहे थे तो एक ही पार्टनर बस जा रहा था, उसको दे दिया। इस वाले में एक भी, एक पार्टनर क्या कर गया, सेक्रीफाइस। थर्ड कंसेप्ट हिडन गुडविल, हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट को यहां लेता हूं मैं, केस नंबर थर्ड, ध्यान से देखना, नाम है टॉपिक का, यहां से लेते हैं, थोड़ा स्पेस मेरे पास कम है, मैं कोशिश करता हूं एक बार में सारा हो जाए तो ज्यादा आपको बेटर लगेगा।
हिडन गुडविल का मतलब होता है आपको गुडविल नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी आपको गुडविल एग्जामिनर को निकाल के कैलकुलेट करके बताना है। चलो एक्स वाई और जेड, जेड रिटायर हो रहा है और जेड जब रिटायर हो रहा था तो इसको मैंने आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट सब कुछ करने के बाद बोला भाई आपके 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए देना है। सपोज सब कुछ करने के बाद इसका 1 लाख बन रहा है, रेशो मैं रख रहा हूं अगेन 3:2, 2:5, ठीक है। जेड रिटायर हो गया तो न्यू रेशो बता सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। एक्स वाई जेड था, रेशो 3:5 था, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जेड का हिसाब किताब सब कुछ के बाद जेड का हिसाब किताब बन रहा था 1 लाख। जेड को बोल रहे थे भाई 1 लाख बनता है, लेकिन फर्म बोलता है अच्छा जेड आपका 1 लाख बन रहा है, लेकिन एक मिनट रुको आपको हम पेड कर देते हैं, पेड कर देते हैं, कैपिटल 1 बन रहा है, ये लो आप 1,20,000। क्यों दिया भाई एक्स्ट्रा, 1 लाख बन रहा था तो 1 लाख दे देना चाहिए था, फर्म के पास ज्यादा पैसा थोड़ी आया, फर्म के पास ज्यादा पैसे, दो मिनट, फर्म के पास ज्यादा पैसे तो आए नहीं, तो 1,00,000, 1,20,000, तो कितने बचे बताओ, यही तो है हिडन गुडविल, यही तो है हिडन गुडविल। अब 20,000 किसका है, सिर्फ जेड का, पहले पूरे फर्म का निकलता था, जेड का, अब क्या जेड का शेयर आ गया हमारा, गेनिंग रेशो भी आ गया, जनरल एंट्री हो जाएगा, तो बताओ हिडन गुडविल में क्या है, कुछ भी नहीं है, पहले एक कैपिटल दे रखा होगा ऑल एडजस्टमेंट के बाद, उसमें से पेमेंट कर दो, कौन सा पेमेंट कर दो, जितना उससे पेमेंट हुआ था माइनस करो, डिफरेंस आ गया, वो क्या आ जाएगा, हिडन गुडविल। चलो बांट देते हैं इसको रेशो में, रेशो में बांट देते हैं एक्स वाई और टू, एक्स कैपिटल, वाई इज कैपिटल और टू जेड कैपिटल, इसका भी बींग सेम रहेगा, बस 20,000 को 3:2 में तो 12, 8, ये लो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो गया। बींग क्या लिखा है, बींग में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट इन गेनिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, नोट करिए।